नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल टेक्निकल यादव में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ, ट्विटर पर आप अकाउंट पहले से बनाए हैं और आपको दूसरा अकाउंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसमें इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपना ट्विटर अकाउंट ओपन करेंगे। ट्विटर अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आप, लेफ़्ट साइड में होम के बगल में क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ प्लस का चिन्ह दे रहा है, प्लस वाले चिन्ह पे ओके करेंगे। उसके बाद लॉग आउट ऑफ ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसे लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट हो गया। उसके बाद से साइन अप पे क्लिक करेंगे फिर से। उसके बाद देख सकते हैं इधर क्रिएट करने का आ रहा है ऑप्शन, यहाँ से क्रिएट करेंगे। चलिए दोस्तों, क्रिएट करके बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ अपना नाम डाल लेंगे, जो भी आपका नाम है वो नाम फिलअप कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, अगर मोबाइल नंबर से बनाना हो तो, या ईमेल से बनाना हो तो यहाँ नीचे दिखा रहा है यूज ईमेल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ईमेल आईडी का ऑप्शन आ जाएगा फिलअप करने के लिए। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप मोबाइल से या ईमेल आईडी किसी से भी बना सकते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों, इसको फिलअप करके आगे का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, अपना नाम फिलअप कर लिया, ईमेल आईडी फिलअप कर लिया, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको दिखा रहा है फिर से, यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपके ईमेल आईडी, जो भी आप ईमेल आईडी भरे हैं उस पर एक वेरीफिकेशन कोड जाएगा, उसको यहाँ फिलअप करेंगे। अगर आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरीफिकेशन कोड जाएगा, उसको यहाँ फिलअप करना है। चलिए दोस्तों, आ गया है मेरे एक ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड, उसको मैं देख लेता हूँ, उसके बाद उसको फिलअप करता हूँ। उसके बाद से यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर से आपको एक पासवर्ड पूछ रहा है, 8 अक्षर का पासवर्ड डालना है इसमें, तो अपना जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हो पासवर्ड यहाँ फिलअप कर लेंगे। पासवर्ड फिलअप करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप इसमें एक पिक्चर लगा सकते हैं, जो भी आप पिक्चर लगाना चाहते हैं यहाँ कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। इस तरह से अपना पिक्चर सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से ऊपर अप्लाई दे रहा है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका पिक्चर लग गया, प्रोफाइल पिक्चर। उसके बाद यहाँ से फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने बायो में जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, इस तरह से आप जो भी चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप लैंग्वेज चूज कर लेंगे, जो भी भाषा में आप लिखना चाहते हैं वो चूज कर लेंगे। यहाँ से बहुत सारे भाषा आ रहा है इसमें, आप जो चाहें वो चूज कर सकते हैं। मैं हिंदी चूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद से आपको पूछ रहा है आप क्या चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर क्रिकेट में, फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका न्यूज चाहिए उसमें। जैसे क्रिकेट चूज कर लेता हूँ यहाँ। उसके बाद स्पोर्ट्स चूज कर लेता हूँ। उसके बाद बिजनेस एंड फाइनेंस दिखा रहा है यहाँ से, अकाउंटिंग चूज कर रहा हूँ। जो भी आप चाहते हैं वो चूज कर, स्पोर्ट्स में चूज कर, साइकिलिंग, WWE, जो चाहते हैं वो चूज करते हैं। म्यूजिक में देख सकते हैं इधर। इस तरह से सब कुछ चूज करने के बाद यहाँ से फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं सजेस्ट कर रहे हैं आप किस किस को फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर अकाउंट पे, तो यहाँ से आप जिसको चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से नरेंद्र मोदी का फॉलो कर सकते हैं, सोनू सूद को फॉलो कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को फॉलो कर सकते हैं, जिसको आपको मर्जी है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से फॉलो वाले नीचे ऑप्शन दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ डाउनलोड नाउ दे रहा है, यहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ से नॉट बॉडी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से नॉट बॉडी पर क्लिक करके आ सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ देख सकते हैं जो भी आपके नाम से क्रिएट किए थे वो अगर नाम शो करने लगा यहाँ पे। तो इस तरह से अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर पहला अकाउंट आपके फ़ोन में है, दूसरा अकाउंट इस तरह से क्रिएट होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि किसी को भी अकाउंट क्रिएट करना होगा तो आसानी से क्रिएट कर लेगा।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।